चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आईजीएमसी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सीटू के तत्वाधान में जो है आज का प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको मालूम है पिछले दिनों 3 दिनों से लगातार आंदोलन चल रहा है आईजीएमसी के अंदर। पिछले 14 वर्षों से जो सुरक्षा कर्मचारी काम कर रहे हैं पूरी लगन से, मेहनत से, कर्मठता से, जिन्होंने दिन रात काम किया, कोविड वॉरियर ये रहे, जिस वक्त में कोई जो है सड़कों पर नहीं निकलता था, जिस वक्त मरीजों के पास कोई नहीं जाता था, ये वो लोग थे जिन्होंने एक्चुअली कोरोना योद्धा के रूप में काम किया, अपनी सेवाएं दी। लेकिन आज इस तरीके से ठेका बदला आईजीएमसी के अंदर, जो नया ठेकेदार आया है, नई कंपनी आई है, उसने 31 मजदूरों को जो है उनकी छंटनी कर दी है, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। हम कहना ये चाहते हैं, हमारे देश का जो कानून है, हमारे देश में 1947 में एक कानून बना है जिसके तहत कोई भी नया किस्म का रोजगार अगर उसी जगह पे द्वारा देना है तो सबसे पहली प्राथमिकता वहाँ काम करने वाले लोगों को मिलती है। आपको मालूम है पिछले 14 सालों में अनेकों ठेकेदार वहाँ पर आए लेकिन वर्कर नहीं बदले। जो कानून है 1947 का, उसकी धारा 25H जो है स्पष्ट कहती है कि इन्हीं मजदूरों को जो नौकरी पर लिया जाना था लेकिन जानबूझकर इनको नौकरी से किनारे करके जो उनके अपने चहेते हैं उनको नौकरियों में भर्ती करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात यह भी है, हमारे देश का कानून इसको अनुचित श्रम व्यवहार मानता है। उसी कानून की धारा 25U और 5वां शेड्यूल कहता है कि अगर इस तरीके का कोई भी काम होगा वो अनुचित अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होगा, जो कानून के खिलाफ होगा। और जो चिट्ठियां भी जारी की गई हैं, जिनको नियुक्ति दी भी गई है, उसमें भी बहुत सारा अनुचित श्रम व्यवहार किया गया है। 1926 में हमारे देश में यूनियन बनाने का अधिकार मिला, संविधान जब हमारा बना उसका अनुच्छेद 19 जो है यूनियन बनाने का अधिकार देता है, लेकिन उन चिट्ठियों में भी लिख दिया गया है कि कोई भी मजदूर जो है नौकरी पर आने के बाद यूनियन नहीं बना सकता है। वो तो कुल मिलाकर जो है एक पूरा अंधेरगर्दी चल रही है आईजीएमसी के अंदर। और जो ये वर्क जिनको निकाला गया है ये प्रोटेक्टेड वर्कमैन के दायरे में आते हैं। कानून में इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि जो भी यूनियन के नेता होंगे वो सुरक्षित कर्मचारी घोषित किए गए हैं, उनको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि वो यूनियन का नेतृत्व करते हैं और उन पर हमला करना आसान होता है कभी भी प्रबंधन के लिए। तो इसलिए कानून की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ रही हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से MS या डिप्टी MS या प्रिंसिपल ये पल्ला झाड़ रहे हैं ये कहकर कि हमारा मसला नहीं है, कंपनी का मसला है, तो कानून ये भी कहता है कि प्रमुख नियोक्ता की भूमिका है, जिसने ठेका दिया है वही कानून को लागू करवाएगा। जो 1970 का कानून है ठेका मजदूर अधिनियम, उसकी धारा 5 से लेकर 21 तक जो है तमाम इन बातों का रेखांकित करती है कि श्रम कानूनों की अवहेलना अगर ठेकेदार करता है तो निश्चित तौर से कार्रवाई प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पर भी होगी और 6 महीने तक की सजा का प्रावधान भी उसमें है। तो आज ये जो प्रदर्शन हम DC ऑफिस में कर रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी क्योंकि IGMC का काम उस तरीके से 2 दिन से नहीं चल रहा है क्योंकि छुट्टियां हैं, तो जैसे ही काम जो है कल सुचारू रूप से चलेगा निश्चित तौर से आंदोलन का केंद्र जो है DC ऑफिस से बदलकर जो IGMC की ओर चला जाएगा। हमने पिछले कल जो DM को चिट्ठी सौंपी है उनमें सारी बातों का जिक्र किया है और इस बात को भी चेता दिया है कि अगर आप इन 31 मजदूरों को नौकरी पर वापस नहीं लेते हैं तो निश्चित तौर से जो IGMC के अंदर हड़ताल होगी। हमने SP साहब से भी कल बात की है, DC साहब से भी हम बात कर रहे हैं, हम जो है मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, राज्यपाल से भी कल मिले हैं, तमाम जो अधिकारी हैं या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनसे हमारा आग्रह है कि ये जो शिमला के बीचों बीच जिस तरीके कानूनों की अवहेलना चल रही है इसको तुरंत रोका जाए और जो भी मजदूर नौकरी से बाहर निकाले गए हैं उनको दोबारा नौकरी पर लिया जाए और जिनको नियुक्ति दी गई है उसमें जो शर्तें थोपी गई हैं उन शर्तों को भी वापस लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।